नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए ले चलते हैं आपको पिंडवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। CMHO डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि COVID-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य भर में कोरोना स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती के लिए चयनित किए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिंडवाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र पर BCMO डॉक्टर SP शर्मा उन सबको प्रशिक्षण देंगे, जिसके तहत उन्होंने सबसे पहले तो अस्पताल की स्वास्थ्य गतिविधियों का जायजा लिया और COVID-19 की संभावित तीसरी लहर की पूर्व तैयारियों के बारे में उनको प्रशिक्षित किया, जिसके तहत कोरोना स्वास्थ्य सहायकों को जीवन रक्षक उपाय बताए, घर घर जाकर प्राथमिक उपचार करना, COVID-19 का नमूना एकत्र करना आदि मूलभूत प्रशिक्षण दिए गए। CMHO डॉक्टर राजेश ने बताया कि जरूरत पड़ने पर कोरोना स्वास्थ्य सहायक नर्सों एवं डॉक्टरों की भी मदद करेंगे और हम इसकी पूर्व तैयारियां कर रहे हैं। जो संभावित तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और उसके परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं, हमने पूरी तैयारी कर ली है और जिले भर में कोरोना स्वास्थ्य सहायकों का चयन करके उनकी नियुक्ति कर दी गई है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।